ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमः मते नमः ब्रह्म रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तुला राशि वाले, जून का महीना 2023 कैसा रहेगा? लग्नेश अपने से नवम दशम का गोचर करेंगे। इस क्षेत्र में अच्छा है, लेकिन कुछ दिन पाप करते रहिए और उसके बाद फिर मंगल के साथ, निचस्त मंगल के साथ, तो तुला राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। जून का महीना 15 दिन तक सूर्य अष्टम में रहेंगे, फिर नवम में चले जाएंगे। तो जब तक अष्टम सूर्य है, तो जो बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, हार्ट वगैरह का समस्या है, खरीदा हुआ तेल, खरीदा हुआ सफ़ेद नमक, सफ़ेद चावल, सफ़ेद और जो भी केमिकल युक्त तेल खा रहे हो, जहर युक्त अनाज खा रहे हो, यूरिया फॉस्फेट कार्बोन नाइट्रेट, बहुत सावधान में चलना चाहिए, झटका हो सकता है। स्वास्थ्य का अवस्था 65% बढ़िया रहेगा, बाकी थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल हो सकता है। ढैया पार हो गया, पनौती चल रहा है, आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बिगड़ेगा, लेकिन आपके अष्टम स्थान का अधिपति नवम में, अपने से नवम में जाना, मंगल शुक्र के साथ रहना और ये तुला राशि के दशम स्थान पे जाना, एक कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट, शुभ रिजल्ट दिखा रहा है। तो इस क्षेत्र में धन प्राप्ति तो है। बात करते हैं पराक्रम, पराक्रमे अपने से पंचम, आप लग्न से सप्तम, पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहन का सपोर्ट रहेगा, लेकिन धोखा का भी संभावना है। भूमि भवन वाहन माता सुखमान चतुर्थाधिपति पंचम में कोशिश करोगे तो जरूर आपको हर प्रकार के सुख मिल सकता है, लेकिन भटकाव, दौड़ भाग, थकावट, तनाव लोग यूज करके आपको फेंक सकते हैं। शिक्षा कैसे रहेगा? टॉप। प्रेम प्यार मस्त। कोशिश करोगे, अपने घमंड में रहोगे तो नहीं मिलने वाला कुछ, झुकोगे मिल जाएगा। दाम्पत्य सुख संभावना थोड़ा सा कम है। सप्तमाधिपति दाम्पत्याधिपति, दाम्पत्याधीश नीचस्थ है, गुरु चांडाल लगा हुआ है, तुरतुरिया बुद्ध भी वहाँ बैठा हुआ है, द्वितीयाधिपति बुद्ध। पत्नी के स्वास्थ्य के लिए सावधान रहें। भाग्य का सपोर्ट सूर्य बैठा है, लाभाधिपति अष्टम में बैठा है, सावधान रहना चाहिए। भाग्य का घर बुध, बुध जाके वहाँ त्रिग्रही योग में बना बैठा है सप्तम स्थान पे, तो भाग्य का बहुत सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन भाग्य अपने घर से लाभ में है तो लाभ तो मिलेगा। करियर का बात, मंगल शुक्र मान सम्मान का हानि का संभावना है, बॉडी में ऊर्जा नहीं होने का भी संभावना है, करियर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नीचे हरकत हो सकता है। लाभाधिपति अष्टम में अकड़ का काम करो, लाभ मिलेगा, लेकिन अष्टम में जाने से उतना लाभ मिलता नहीं है, लेकिन उसके बाद नवम में जाएगा। पिता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, झटका दे सकता है। तो ये तुला राशि के लिए ये महीना मिला जुला फल लेके आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।